Hello, good morning everyone. So let us do this sum which you can see in your screen. On 7th November 2018, the premises of Bulbul were destroyed by fire. So date of fire is 7th November 2018. 7th November 2018 ko there was fire in the premises of Bulbul, but sufficient records were saved from which the following particulars were found. Sabse pehle 1/4/2017, if this fire has occurred on 7th November 2018, here they say 1/4/2017, matlab ye last year ka stock hai, ye to 1/4/2018 होना चाहिए था जब ये साल स्टार्ट होगा, या 31/3/2018 होना चाहिए था जो नेक्स्ट डे उसका ओपनिंग स्टॉक, बट सो दिस इज लास्ट ईयर्स ओपनिंग स्टॉक, तो लास्ट ईयर का इंफॉर्मेशन है. देन वी हैव स्टॉक एज ऑन 31st March 2018, दिस इज विथ स्टॉक, दिस इज लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक, करंट ईयर का ओपनिंग स्टॉक, लास्ट ईयर का क्लोजिंग, करंट ईयर का ओपनिंग, जिस साल आग लगा है उस साल का ये ओपनिंग स्टॉक है. फिर परचेसेस दिया है प्रीवियस ईयर का, फाइनेंशियल ईयर 2017-18 व्हिच इज लास्ट ईयर का परचेस. फिर लास्ट ईयर का सेल्स भी दिया 8,10,000. फिर परचेसेस अगेन गिवन from 1/4/2018 to 7/11, that is till date of fire. Then sales also is given for 1/4/2018 to 7/11/2018, that is till the date of fire. In valuing the stock for the balance sheet at 31/3/2018 में लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक, करंट ईयर का ओपनिंग स्टॉक, उसको वैल्यू करते वक्त, वो स्टॉक को वैल्यू करते वक्त, व्हेन वी वर वैल्यूइंग द स्टॉक ऑन 31st March 2018, ₹8,000 हैड बीन रिटर्न ऑफ सर्टन स्टॉक हैविंग कॉस्ट ऑफ ₹14,000. तो कोई तो एक स्टॉक था जिसका कॉस्ट था 14,000, बट उसका 8,000 राइट ऑफ किया गया. उसका 8,000 राइट ऑफ मींस वैल्यू कम किया गया. तो ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स बताने वाला जो स्टॉक होता है, जो कि डिफरेंट, इसका देखो कैरेक्टरिस्टिक्स इज लिटिल वियर्ड, डिफरेंट. Normally what we do not write off, but we sell for profit, and that's profit margin is same for all the normal goods. So here that 14,000 ka cost of goods what we are talking is not normal, it is what, abnormal. So yahan pe jo 14,000 ka goods hai jisme se 8,000 write off kiya, means jo 14,000 cost mein humne kharida tha उसका हमने 8,000 वैल्यू कम किया. तो वैल्यू कम किया मतलब ये कौन सा काइंड ऑफ गुड्स है, अबनॉर्मल गुड्स. व्हाट आर अबनॉर्मल गुड्स, दे आर डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल गुड्स. आपने सुना रहेगा नॉर्मली हम नॉर्मल गुड्स का भी एक जैसे प्रॉफिट में सेल करते हैं, बट अबनॉर्मल गुड्स आर सम गुड्स विच शो सम डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसके वजह से हम उसको नॉर्मल गुड्स के जैसा ट्रीट नहीं कर सकते. आपने गिफन गुड्स भी सुना रहेगा इकोनॉमिक्स में, तो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स इज डिफरेंट देन द नॉर्मल गुड्स. सो हियर आल्सो दोस उसके जैसा ही है अबनॉर्मल गुड्स, दे आर नॉट लाइक नॉर्मल. द बैलेंस सी ₹8,000 हैड बीन रिटर्न ऑफ certain stock having cost of ₹14,000. half of the goods were sold in May 2018 for ₹2,000. uska aadha 14,000 ka aadha 7,000 ko 2,000 mein bech diya, uska cost se 7,000, but usko kitne mein sell kar diya,
2000 में, कभी जिस साल आग लगा उस साल 2000 में सेल कर दिया. The balance is estimated to be worth 60% of original cost. 14,000 में 7,000 का चीज 2000 में बेच दिया, बाकी आधा. 14,000 का बाकी आधा कितना होगा? 7,000. 14,000 का आधा, that is 7,000, उसको 2000 में सेल कर दिया, और बाकी आधा, which is again 7,000, उसको उसका वैल्यू कितना हुआ? Estimated to be worth 60% of original cost. So 7,000 का 60% निकालो, तुमको आ जाएगा क्या वैल्यू है. सब्जेक्ट टू दिस एक्सेप्शन ग्रॉस प्रॉफिट हैव रिमेन्ड एट यूनिफॉर्म रेट. ये एक्सेप्शन अब नॉर्मल गुड्स को छोड़ के बाकी सबका ग्रॉस प्रॉफिट वॉज यूनिफॉर्म. ग्रॉस प्रॉफिट वॉज यूनिफॉर्म मीन्स सेम. यूनिफॉर्म मीन्स वॉट? सेम स्टैंडर्ड. द पॉलिसी अमाउंट वॉज 1,20,000. The stock salvage was 7,500. Show the amount of claim to be lodged with the insurance company. So in the books of Bulbul, name of the business, trading account previous year ka. But yahan pe hum do column bana rahe. Kyun? Last sums mein humne do column kyun nahi banaya? कि लास्ट सम में अबनॉर्मल गुड सेल हो चुका था, मतलब जिस दिन आग लगा उस दिन हमारे पास कोई भी अबनॉर्मल गुड्स नहीं था. इससे पहले हमने जितना भी सम किया विच इंक्लूडेड अबनॉर्मल गुड्स, बट अबनॉर्मल गुड्स वेर नॉट प्रेजेंट इन स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर. अब यहाँ पे ये 60% जो है, बाकी आधा पर आधा स्टॉक 14,000 का आधा 7,000 का 60%, अभी तक हमारे पास अनसोल्ड बचा हुआ है, तो अबनॉर्मल गुड्स भी फायर में जला है, तो इसके लिए हमें अबनॉर्मल गुड्स का भी वैल्यूएशन करना पड़ेगा. नहीं तो हम क्या करते थे, अबनॉर्मल गुड्स को परचेस में से भी माइनस करते थे, अबनॉर्मल गुड्स को सेल्स में से भी माइनस करते थे, क्योंकि जिस दिन फायर ऑकर हुआ तब अबनॉर्मल गुड्स हमारे गोडाउन में था ही नहीं. बट ये क्वेश्चन में व्हाट इज द प्रॉब्लम, अबनॉर्मल गुड्स स्टिल लाइंग विद अस. सो जिस दिन आग लगा 7th नवंबर में, अबनॉर्मल गुड्स आल्सो वाज डिस्ट्रॉयड इन फायर. सो जिसके वजह से हमें क्या करना पड़ेगा, अबनॉर्मल गुड्स का भी वैल्यूएशन अलग से करना पड़ेगा. तो सबसे पहले वी विल राइट टू ओपनिंग स्टॉक ऑफ लास्ट ईयर. हाउ मच इट इज, नॉर्मल में ही आएगा बिकॉज ओपनिंग स्टॉक में कोई अबनॉर्मल गुड्स नहीं है. तो ये हो जाएगा कितना, 80,000. पे अटेंशन वेरी हियर, गिव योर फुल कॉन्सेंट्रेशन बिकॉज नॉर्मल अबनॉर्मल दो टाइप का गुड्स है. ओपनिंग स्टॉक नॉर्मल का ही है, अबनॉर्मल का ओपनिंग स्टॉक नहीं है. तो इसके बाद लिखेंगे टू परचेसेस. परचेसेस में इंक्लूडेड है 14,000 का गुड्स जो कि अबनॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स का है. तो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा अबनॉर्मल गुड्स ओवरऑल कितने प्राइस का है, 14,000 का. तो टोटल परचेसेस कितना है, 6,75,000 टोटल परचेस है, जिसमें 14,000 अबनॉर्मल है. तो नॉर्मल कितना रहेगा टेल मी, तो नॉर्मल कितना रहेगा 6,75,000 से माइनस किया तो कितना मिला, इज इट करेक्ट, 6,61,000. हमने क्या किया, क्योंकि अबनॉर्मल का कॉलम शो करना है तो हमने टोटल परचेज में से अबनॉर्मल अलग से लिखा. गॉट इट, टोटल परचेज 6,75,000 जिसमें क्वेश्चन में पहले ही दिया है. जब हम क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू कर रहे थे तो 8,000 हमने राइट ऑफ किया, राइट ऑफ मीन्स माइनस किया,
फ्रॉम ओरिजिनल कॉस्ट 14,000 जो हमने खरीदा था। अब देखो अपनी आप क्लोजिंग स्टॉक में गुड्स नहीं आएगा, विल एनीथिंग कम इन क्लोजिंग स्टॉक ऑल ऑफ इट्स ओन, या इट विल कम ओनली व्हेन वी परचेस। हम परचेस करेंगे तो हमारे क्लोजिंग स्टॉक में आएगा ना, तो परचेस में आएगा वो 14,000 का चीज जो हमने खरीदा, तो हमारा नॉर्मल गुड्स का परचेस कम हो जाएगा, दोनों को ऐड करोगे तो मिल जाएगा 6,75,000। नाउ कम टू द सेल्स, सेल्स में अभी तो कुछ भी हमने अबनॉर्मल गुड्स का सेल नहीं किया। अबनॉर्मल गुड्स का सेल हमने कब किया? मई 2018 को, और ये साल तो मार्च में खत्म हो रहा है, मे विल कम इन द नेक्स्ट ईयर। सो हाउ मच इज द सेल? 8,10,000। बट हमने कोई अबनॉर्मल गुड्स अभी तक सेल नहीं किया, वो 14,000 का कुछ भी सेल नहीं हुआ है, वो 14,000 का कुछ भी सेल नहीं हुआ, अबनॉर्मल गुड्स कुछ भी सेल नहीं हुआ, राइट? आप इधर क्लोजिंग स्टॉक निकालते वक्त कितना राइट ऑफ किया है बोला गया है? क्लोजिंग स्टॉक निकालते वक्त हाउ मच इज द क्लोजिंग स्टॉक? 98,000। क्लोजिंग स्टॉक इज हाउ मच? 98,000। बट 14,000 में हमने कितना वैल्यू कम कर दिया, राइट ऑफ कितना हुआ 14,000 में? कितना राइट ऑफ हुआ? तो वैल्यू कितना रहेगा? 14 - 8 करो। आर यू गेटिंग दिस? क्योंकि हमने क्या किया, जब हम क्लोजिंग स्टॉक 31/3/2018 का बैलेंस शीट का स्टॉक वैल्यू कर रहे, इन वैल्यूइंग द स्टॉक एट फॉर द बैलेंस शीट एट 31/3/2018, मतलब जब हम स्टॉक को वैल्यू कर रहे थे 31/3/2018, which is our closing stock, जब वैल्यू कर रहे थे तो 8,000 हमने, जिसका ओरिजिनल कॉस्ट 14,000 था, उसमें 8,000 राइट ऑफ किया। राइट ऑफ मीन्स वॉट? माइनस। सो अब नॉर्मल गुड्स का वैल्यू कितना हो गया? 6,000। बट टोटल क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 98,000, जिसमें अब नॉर्मल अगर 6 है तो नॉर्मल कितना होगा? अगर 98 टोटल स्टॉक है जिसमें अबनॉर्मल 6 है तो नॉर्मल कितना होगा? टोटल करो 98 आ जाएगा, जो क्वेश्चन में दिया है वैसे ही। बट हियर व्हाट वी आर डूइंग, बिकॉज अबनॉर्मल गुड्स आग लगने के दिन भी मौजूद था, वाज लाइंग इन द स्टॉक, तो अबनॉर्मल गुड्स भी कैलकुलेट करना पड़ेगा हमें, राइट? अब नॉर्मल गुड्स भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो इसके लिए हम दो कॉलम बना रहे। इससे पहले सम में क्यों नहीं किया? क्योंकि इससे पहले सम में कभी भी आग लगने के दिन अब नॉर्मल गुड्स नहीं था स्टॉक में, पहले ही सेल हो जाता था। इफ आंसर अगेन यू हैव अ लुक ऑन द प्रीवियस सम्स व्हाट वी हैव डन, यू विल अंडरस्टैंड दिस, कि इससे पहले सम करते वक्त कभी भी अब नॉर्मल गुड्स आग लगने के दिन स्टॉक में नहीं था, तब अबनॉर्मल गुड्स भी आग में जला है, तो वो भी हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। इंश्योरेंस कंपनी से उसका भी पैसा लेंगे, बट वो नॉर्मल गुड्स के जैसा वैल्यू नहीं है उसका, तो अगर हम अबनॉर्मल को भी नॉर्मल समझ के मान के पैसा लेंगे तो हमारे ऊपर आगे जाके केस हो सकता है, देन इट बिकम्स फ्रॉड फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज ऑफ अबनॉर्मल गुड्स जिसका वैल्यू नॉर्मल से कम है, या ऐसे भी हो सकता है वैल्यू नॉर्मल से ज्यादा है, एनी वे राउंड, बट आप नॉर्मल उसको ट्रीट नहीं कर सकते हो, तो आप नॉर्मल के जैसा उसका भी पैसा लोगे, आप ग्रॉस प्रॉफिट एक ही रेट उसके लिए लगाओगे, तो फिर क्या हो जाएगा? तो देन यू विल गेट अ रॉन्ग वैल्यूएशन ऑफ अबनॉर्मल गुड्स, सो देन दैट इंश्योरेंस कंपनी, बाद में आपने कुछ फ्रॉड किया, आप जो मिलेगा क्लेम वो भी नहीं देंगे, तो ऐसा नहीं करना चाहिए ना, जो जैसे करेक्ट वैल्यूएशन करना चाहिए। तो ये हो गया, अभी क्या बच गया?
ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन। एक चीज हाँ, इसका हम इसको यहाँ पे नहीं करेंगे, इधर 14,000 है, देखो ग्रॉस प्रॉफिट तो आएगा नहीं, इधर 14,000 है और इधर कितना है, तो डिफरेंस कितना आएगा, ये 8,000 जो वैल्यू हमने राइट ऑफ किया है, तो इसको कहाँ ट्रांसफर करेंगे, इसको ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। राइट ऑफ किया है ना, वैल्यू कम हो गया मींस लॉस हो गया, तो कहाँ डाल दिया इसको, पीएनएल अकाउंट में कहाँ डाल दिया। लेकिन अभी ग्रॉस प्रॉफिट बताओ मुझे कितना आएगा ये दोनों को ऐड करके, आर यू गेटिंग दिस अमाउंट हियर आल्सो, तो ये ग्रॉस प्रॉफिट कितना आया, ये पूरा हमने ग्रॉस प्रॉफिट के लिए किया है, कितना आ रहा है ग्रॉस प्रॉफिट, आर यू गेटिंग दिस अमाउंट, आर यू गेटिंग दिस अमाउंट, यस ये अमाउंट आया। अभी क्या निकालेंगे, हमें नेक्स्ट ईयर के लिए ग्रॉस प्रॉफिट नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज या ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, वो कैसे निकलता है, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल्स इनटू 100, ग्रॉस प्रॉफिट है, नेट सेल्स है, कितना आ रहे 19.88 आ रहे परसेंट, या फिर इसको राउंड ऑफ करेंगे और कितना ले लेंगे, इसको राउंड ऑफ करके ये ना 90 राउंड ऑफ किया करेंगे, क्या करेंगे इसको, ये ना ऐसा है 19.88% अप्रोक्सीमेटली, अगर इसको हम राउंड ऑफ करें 19.8 राउंड ऑफ करो क्या आएगा 19.88, मतलब एक डिजिट ज्यादा किया तो कितना होता है 20% ना, अगर राउंड ऑफ किया तो 20% होता है अगर राउंड ऑफ किया तो 20% से करते हैं। Now we come to memorandum trading account from 1st April to date of fire 7th November। यहाँ पे सबसे पहले क्या आएगा? Closing stock उधर का, यहाँ का हो जाएगा opening stock 6,000। Abnormal का closing stock कितना था? 6,000। नॉर्मल का कितना था? 92,000। देखो जो इधर का क्लोजिंग स्टॉक है 31st मार्च का, वो नेक्स्ट डे का ओपनिंग स्टॉक हो जाता है 1st अप्रैल का। नाउ व्हाट वी विल राइट, टू परचेसेस, परचेसेस गिवन, इसमें कोई अबनॉर्मल इंक्लूडेड नहीं है ना, 5,05,400 अबनॉर्मल को तो हमने मई में बेच दिया 2000 में, वहां तक जाते हैं, उससे पहले 5,04,000 लिख लेते। ये साल हमने कोई अबनॉर्मल गुड्स नहीं खरीदा, जिस साल आग लगा उस साल हमने कोई अबनॉर्मल गुड्स नहीं खरीदा, अबनॉर्मल गुड्स पिछले साल खरीदा था 14,000 का, जो कि मई में हम आधा सेल करेंगे, मई में हम क्या करेंगे 14,000 का हाफ सेल करेंगे 2,000, और बाकी हाफ 60% ऑफ द ओरिजिनल कॉस्ट बोला है, और ओरिजिनल कॉस्ट है 14,000 का हाफ का ओरिजिनल कॉस्ट कितना रहेगा, 14,000 इज द ओरिजिनल कॉस्ट, जिसका आधा सेल हो
गया 2000 में, अब बाकी आधा 7000 उसका 60% वैल्यू हो गया, 60% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट। ये जो 6000 है ये तो नया कॉस्ट है ना, बट यहाँ पे क्या बोला 60% किसका निकालो, ओरिजिनल कॉस्ट का। तो यहाँ पे एक मिनट बहुत ध्यान से देखो, पे ऑल योर अटेंशन एंड सी बाय सेल्स। सेल्स कितना है, सेल्स है 625,000, जिसमें हमने मई में अबनॉर्मल गुड सेल किया 2000, अबनॉर्मल गुड सेल किया 2000, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा अबनॉर्मल गुड्स 2000 और 625 से 2000 माइनस हो गया तो कितना नॉर्मल है, राइट? नॉर्मल गुड चाहिए ना। इसके बाद अभी आ जाता है बाय क्लोजिंग स्टॉक। ये क्या है, स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर। ये क्या है, स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर। अब नॉर्मल गुड्स का क्या प्रॉफिट का लॉजिक है, वी डोंट नो एनीथिंग। सिर्फ नॉर्मल गुड्स का पता है इट्स 20% ऑफ सेल्स, राइट? तो यहाँ पे क्या आता है, बट अबनॉर्मल गुड्स का हमें क्या पता है कि सी 8000 रिटर्न अबव सर्टेन कॉस्ट हैविंग कॉस्ट रुपीज 14000। हाफ ऑफ दिस गुड्स सोल्ड ऑन मई 2018, 14000 का हाफ कितना होता है 7000, और 2000 में सेल हो गया। द बैलेंस 14000 का हाफ है 7000, बाकी बैलेंस कितना होगा, 14000 का हाफ है 7000, दूसरा हाफ कितना होगा, दूसरा बैलेंस कितना होगा, 14000 का हाफ तो सेल हो गया, बाकी हाफ कितना, दैट विल आल्सो बी 7000, उसका एस्टिमेटेड वर्थ कितना है 60%। सो यहाँ पे जाएंगे अबनॉर्मल गुड्स के लिए, देखो 14000 का 50%, दैट इज हाउ मच 7000, उसका कितना वर्थ हो गया 60%, उसका वर्थ हो गया, उसका वैल्यू, वर्थ मीन्स व्हाट, वैल्यू हो गया 60%, विच इज हाउ मच। तो यहाँ पे लिखेंगे 4200। दूसरा यहाँ पे अब ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है, तो नॉर्मल गुड्स का क्या ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज है, नॉर्मल गुड्स का ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज कितना है निकालो, हाउ मच यू आर गेटिंग, 623,000 इंटू 20%, हाउ मच यू गेट 1,24,600। इसको बंद कर दो, कितना आ रहा है 7,22,000, 7,22,000, और अभी हमें बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा, हाउ मच इज द स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर। ये है नॉर्मल गुड्स ऑन फायर, डेट ऑफ फायर, ये है अबनॉर्मल गुड्स ऑन डेट ऑफ फायर, और कुछ बैलेंस करने का जरूरत नहीं है बिकॉज मुझे प्रॉफिट लॉस कुछ नहीं जानना है, मुझे जानना है सिर्फ इतना कि जिस दिन आग लगा उस दिन अबनॉर्मल गुड्स कितना स्टॉक में था और नॉर्मल गुड्स कितना स्टॉक में था। अबनॉर्मल हाउ मच वर स्टॉक, हाउ मच वॉज इन स्टॉक 4200, नॉर्मल हाउ मच वॉज इन स्टॉक 99,000, सेपरेटली वी हैव फाउंड आउट। नाउ लेट अस फाइंड आउट द एक्चुअल लॉस कैलक्युलेशन ऑफ एक्चुअल लॉस। इसके लिए पहले हमें चाहिए स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर, दैट इज क्लोजिंग स्टॉक कितना है
अबनॉर्मल का 4200, नॉर्मल का 99,000, कितना हो जाते हैं? दोनों को ऐड करो, करेक्ट। अबनॉर्मल था 4200 जो जल गया, एंड नॉर्मल था 99,000 जो जल गया। इसमें से हम लेस करेंगे स्टॉक सैल्वेज्ड, स्टॉक सैल्वेज्ड इज हाउ मच, 7,500। पॉलिसी अमाउंट ध्यान में रखना 1,20,000। So how much is actual loss? Actual losses how much? 95,700 na? So let us go to the claim. Finally, let us go to the claim. Claim का क्या formula है? Policy amount divide by stock on date of fire into actual loss. So substitute the amounts. Policy amount is 1,20,000. Stock on date of fire is how much? 1,05,200. Am I right? 1,03,200 na? Dono likhna padega na? Normal, abnormal. Actual loss kitna hai? 95,700. How much you get? ₹111,279 is what? This is the claim to be lodged with the insurance company. Claim to be lodged with the insurance company. So with this sum is done. So I end today's lecture. Remaining we will do in the next lecture. Thank you very much, everyone.